बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 यानी जो पहला चैप्टर है होमोस्टेसिस, उसके अंदर थर्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम आज के लेक्चर के अंदर थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि थर्मोरेगुलेशन क्या होता है। इससे पहले हम एक दफ़ा इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। सो थर्मोरेगुलेशन किसे कहा था हमने? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, यानी बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस में रखना, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और ये होम्योस्टेसिस का ही हिस्सा है, यानी कह लें कि इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का ही नाम है। यानी आपने यानी इंटरनल एनवायरनमेंट यानी इंटरनल जो टेम्परेचर है बॉडी का, उसको मेंटेन करना होता है। बाहरी टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन बॉडी के टेम्परेचर को जो मेंटेन करने का अमल है उसे हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। सही, ओके। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, लाइक अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं, सो एक तरफ कूलर टेम्परेचर होता है, फिर बीच में नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज आती है, देन सॉरी एक तरफ हॉटर, फिर एकदम कूलर टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है। सही, यानी जो ये येलो लाइन है ये क्या बता रही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, और जो ब्लू लाइन है ये क्या चीज़ बता रही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। लाइक किस तरह एग्जाम्पल, मतलब ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का ज़्यादा टेम्परेचर जोन सा है वो ऑलमोस्ट रहता है बिटवीन कह लेंगे 38 आएगा, 38 to 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हॉटर होता जाएगा इस तरफ, लाइक दिस वन इज हॉटर, और इस तरफ जो एक कूलर होता जाएगा, ठीक है। सो जो जो टेम्परेचर आगे जाएगा एक कूलर होता जाएगा। तो दोनों किस्म की इन्वायरमेंट के, दोनों किस्म की सिचुएशन के लिए बॉडी के अंदर अडाप्टेशन होना जरूरी है। मतलब हार्डर बॉडी के अंदर क्या, हार्डर कंडीशन के अंदर बॉडी क्या बिहेवियर शो करेगी, और कूलर कंडीशन में बॉडी क्या बिहेवियर, यानी ये दोनों टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, यानी बहुत ज्यादा गर्म होना या बहुत ज्यादा कम होना, दोनों टेम्परेचर एक्सट्रीम्स में चले जाएंगे। सो इसके अंदर हम बिहेवियर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब ये आपके सामने प्लांट्स का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सो सबसे पहले हम एक केस पढ़ते हैं जब इसका टेम्परेचर ज्यादा लग गया, सन है, सो इसकी बहुत ज्यादा हीट आ रही है। सो इस टाइम ये टेम्परेचर क्या करेगा? सबसे पहले तो इसमें एक जनरल सा फिनोमिना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो रूट्स है लाइक दे ऑब्जॉर्व वाटर, ठीक है, वाटर इसमें होता है, और ये रूट के जरिए ऑब्जॉर्व होके अपर प्लांट्स के अंदर जो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट्स के उसके अंदर ट्रैवल करेगा। उसके बाद ये जो वाटर ये एवेपोरेट होता है, ठीक है, इट इज एवेपोरेटेड, ठीक है। और इस सारे प्रोसीजर को हमने क्या कहा था, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वाटर के एब्जॉर्प्शन से लेकर फिर उसके एरियल पार्ट वहां से एवेपोरेट होगा, इसको हमने किसका नाम दिया था, ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन एवेपोरेशन से क्या होगी, कूलिंग जनरेट होगी, ठीक है। जिस तरह आप कह लेंगे नहाने के बाद अगर पंखे में खड़े हो, ठीक है, तो आपके जिस्म से पानी वेपरेट होगा, तो उस तरह कूलिंग आपको फील होती है। सिमिलरली प्लांट बॉडी की बॉडी में से जब वाटर जो है वेपरेट होगा, सो ये कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। सही, सो इस तरह कूलिंग जनरेट होगा। इसके अलावा अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट अप हो जाए, लाइक अगर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते लाइक 45 से अबव चला जाए, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, सो उसके बाद फिर क्या होता है कि प्लांट बॉडी के अंदर स्पेशल अडाप्टेशन है, कह लेंगे स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। हीट शॉक प्रोटीन्स, हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे भी जो प्लांट की कह लेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, दे प्रोटेक्ट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। सही, सो क्या क्या हो गया, एक तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन होगी, ज्यादा हीट अप होगा अगर, तो हीटिंग के अगेंस्ट ट्रांसपिरेशन है जो कि इसका टेम्परेचर बैलेंस करेगी। और अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, लाइक 40 से अबव चला जाता है, सो हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं प्लांट बॉडी के अंदर जो इसको प्रोटेक्ट करेंगी। वैसे हीट क्या क्या इसके अंदर डिसफंक्शन काज कर सकता है, क्या इसके अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी? सिंपल है कि डीनेचर कर देता है। ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो जो एंजाइम्स होते हैं ना वो डीनेचरिंग हो जाते हैं। लाइक अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, सो इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन हाई टेम्परेचर्स क्या साइड इफेक्ट होता है कि एंजाइम्स जो से वो डीनेचर होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं, और ज्यादा टेम्परेचर पे वो डीनेचर हो जाते हैं, यानी अपना फंक्शन
लूज कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हार्ड टेम्परेचर के लिए। अब हम आएंगे कि ये कूल टेम्परेचर नहीं कह लेंगे, लेस टेम्परेचर के लिए क्या बिहेवियर होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कूल टेम्परेचर होता है ना, लाइक इन कूल टेम्परेचर या इन लो टेम्परेचर्स, ये किसको अफेक्ट करेगा? अगेन के ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं उनको अफेक्ट करेगा, ठीक है। प्रोटीन्स को अफेक्ट करता है, प्रोटीन्स आर अफेक्टेड। और इसके अलावा ये क्रिस्टल फॉर्मेशन कर लेता है, जिस तरह आइस के क्रिस्टल्स बन सकते हैं, ये फिर फ्लो को कह लें कि डिस्टर्ब करते हैं या इंटरनल एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा इसके डिस्टर्बेंस होते हैं। एट हाई टेम्परेचर क्या था कि एंजाइम्स डिनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो प्रोटीन्स है वो अफेक्टेड हो जाएंगे अगेन, जिस तरह हाई टेम्परेचर पे हो रही थी। इसके साथ साथ क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, लाइक वाटर क्रिस्टल बन जाते हैं विद इन सेल्स और वो डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट प्लांट बॉडी क्या करती है कि एक तो सबसे पहली बात यह कि प्लांट बॉडी इज हार्ड, प्लांट्स आर हार्ड, ठीक है, यानी उनके पास सेल वॉल होती है। एक किस्म कह लेंगे ऑलरेडी हार्ड होते हैं, जिस वजह से ज्यादा हीट पेनिट्रेट नहीं होती। इसके अलावा इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये कह लें कि जो स्ट्रक्चर इसको डिस्टर्ब नहीं होने देती जब तक टेम्परेचर जितना मर्जी मतलब से मराद, यानी काफी अगर गिर जाए तो वो उनके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं होने देती। अनसेचुरेटेड वैसे कहते किसे हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, दैट कंटेन डबल बॉन्ड। से मैं वो केमिस्ट्री का वैसे टॉपिक है उसमें नहीं जाएंगे हम। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो। इसके अलावा जो दूसरा इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये जो साइटोप्लाज्म की सोल्यूट कंपोजिशन होती है, ठीक है, सोल्यूट सॉरी सोल्यूट सोल्यूट कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको वो चेंज करती है, ठीक है, यानी चेंज कर लेता है प्लांट। उसके चेंज करने से क्या होता है कि दे कैन सोल्यूट कंपोजिशन को चेंज करने से दे कैन सर्वाइव इन लो टेम्परेचर, ठीक है, यानी दे कैन सर्वाइव इन वेरी लो टेम्परेचर, कह सकते हैं कि सुपर कूल एनवायरमेंट के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों जो से फंक्शन के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ये कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा और दूसरा इसके अंदर सोल्यूट कंपोजिशन जो है साइटोप्लाज्म की वो भी चेंज करेगा। वो इस तरह चेंज करेगा कि उसके सर्वाइवल में वो हेल्प करेंगे, वो जिंदा रह सके प्लांट ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी, ठीक है। ये अडाप्टेशंस होगी जो कि हमने हार्ट में भी हार्ट टेम्परेचर में पढ़ी और कूल टेम्परेचर में भी पढ़ी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और आपके जहन में होना चाहिए, मसलन अर्थ का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, लाइक दिस इज अर्थ, ठीक है, थोड़ा सा ओवल सा होता है, सही। अब इसके सेंटर से इक्वेटर पास करती है और जो सेंट्रल लाइन है इट इज मोर हार्टर, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेडिएशंस होती हैं डायरेक्ट आगे पड़ती है, मतलब ये सन है। इक्वेटर लाइन के ऊपर जो सन की रेडिएशंस है वो बहुत ज्यादा आगे पड़ती है, यहाँ पे हीट अप होता है एनवायरमेंट, ठीक है, यहाँ पे एनवायरमेंट ज्यादातर हीट अप होगा। और जो जो हम आगे पोलर रीजन पे जाएंगे एनवायरमेंट कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इवन आइस होती है, ठीक है, यहाँ पे आपको आइस मिलेगी। जो इस रीजन के टेम्परेचर ये एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, ठीक है जी। और जो इस रीजन पे आएंगे ये जो रीजन है बीच में ये हाई टेम्परेचर का रीजन आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें ना तो ज्यादा फॉरेस्ट आपको इस एरिया में नजर आएंगे, ठीक है, ये जो एरिया है इस एरिया जहां पे ना ज्यादा कह लें कि टेम्परेचर हो ना कम टेम्परेचर हो, ठीक है, ज्यादातर लाइट के जहां पे ज्यादा लाइट पड़ती है ना वहां पे आपको ज्यादा फॉरेस्ट नजर आएंगे, ठीक है। आप अर्थ का बेशक कह लें कि स्ट्रक्चर जो नक्शा होता है वो उठा के देख लें। वजह क्या होती है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज्यादा होती है, इन्होंने फोटोसेंसिस करनी होती है तो ज्यादा वहां पे होंगे जहां पे लाइट मौजूद होगी, ठीक है। और जो आइस का रीजन होता है यहाँ पे अमूमन कम होते हैं, और इवन जो सैंड बीच में आती है जहाँ पे रेत वगैरह वहां पे भी जो प्लांट्स हैं वो कम सरवाइव करते हैं। ये हो गया थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, जिसके हमने
कह लें कि पॉइंट्स स्टडी किए हैं। अब हम थर्मोरेगुलेशन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले देखते हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है। हीट ट्रांसफर के हाउ एन एनिमल बॉडी गेट हीट। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। नहीं, ये अर्थ का ग्राउंड है ऊपर, ठीक है, और आप इस पे खड़े हुए हैं। सॉरी, ठीक है यार। सो आपके पास हीट कहाँ कहाँ से आएगी? लाइक सबसे पहले तो सन होगा, सन की रेडिएशन के जरिए आपके पास हीट आएगी। वेरी सिंपल है, तो आपको भी मालूम होगा कि जो सूरज की धूप है उसमें गर्मी होती है, तपिश होती है। इसके अलावा कुछ रेडिएशन जो होती है वो फ्रॉम अर्थ आती हैं, ठीक है। ये इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं, सही। यानी इसे हम इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन कहते हैं, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन। सॉरी, ये दोबारा रेड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन कहते हैं हम इसे, ठीक। और ये जो लाइट आ रही थी इसे हमने क्या कहा है? डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। ये डायरेक्ट सनलाइट एंटर हो रही है, ठीक है, जो आपके। फिर कुछ सनलाइट ऐसी होती है जो जमीन पे आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद आप तक पहुंचती है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड सनलाइट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। सो तीन अब अपने वेज देखने की हीट किस तरह ट्रांसफर हो रही है। सबसे पहले डायरेक्ट सनलाइट से ट्रांसफर हो रही है, फिर कुछ सनलाइट ऐसी होती है कि जो दूसरी चीजों से रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आती है, और कुछ थर्मल रेडिएशन होती हैं, या कह लें कि अर्थ की रेडिएशन होती हैं, उससे आप कह लें यानी इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन होती हैं, ठीक। और फिर कुछ रेडिएशन आपकी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। सम ऑफ द रेडिएशन, सॉरी, कुछ रेडिएशन, ये स्माइल कर रहा है, सही है। सो कुछ रेडिएशन इस बॉडी के अंदर से बनेंगे, लाइक दिस बॉडी। यहाँ पे मैं कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, लाइक इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक हीट, ठीक है। कि नहीं, आपके बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसके जरिए जो हीट प्रोड्यूस होगी वो मेटाबॉलिक हीट होगी, ठीक है। जाहिर बात है आपके अंदर भी तो रिएक्शंस हो रहे हैं। सो आपके पास चार पॉसिबल वेज हो गए जिसके जरिए हीट ट्रांसफर हो रही है। अगर हम इसे काउंट करें, सबसे पहले कौन सा है? डायरेक्ट सनलाइट वन, फिर रिफ्लेक्टेड सनलाइट जो दूसरे टकरा के टू, इंफ्रारेड सनलाइट थ्री, एंड मेटाबॉलिक हीट जो कि बॉडी के इटसेल्फ जनरेट हो रही है। सो ये फोर पॉसिबल वेज हैं जिसके जरिए से हीट गेन हो रही है, सही। अब हम देखेंगे कि इस हीट गेन के अगेंस्ट बॉडी क्या रिस्पॉन्स जनरेट करती है, खासतौर पर एनिमल्स की बॉडी। अब हम देखते हैं क्या क्या होता है। मसलन चलें हम थोड़ा सा साइड पे जाते हैं। अब बॉडी हीट रिसीव कर रही है, सही। अब इस तरह हम जो एनिमल्स की बॉडी है इसे दो किस्म में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी होंगी इसमें? नंबर वन जो सी है उसे हम कह देंगे पोइक्लोथर्म्स, पोइक्लोथर्म्स। पोइक्लोथर्म्स मसल में एग्जांपल देता हूँ। अगर ये बॉडी जिसको ये हीट रिसीव हुई, सॉरी, ये हीट रिसीव हो रही है, ठीक है, अगर इसके अगेंस्ट अपना टेम्परेचर वो चेंज नहीं करता, ठीक है, अपना टेम्परेचर वो चेंज नहीं करता। इसकी क्या एग्जांपल दूं? मसलन फ्रॉग, देखा है आपने, मेंढक जिसे कहा जाता है, ठीक है। फ्रॉग जो उनसे है, मैं उसकी कोशिश करूंगा डायग्राम अच्छी सी बन जाए, क्योंकि इसे लगता नहीं है बननेगी। सो जो फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग, ये फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है, एग्जाम्पल के तौर पर फ्रॉग है तो नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप सोच लें फ्रॉग है, इसमें के पंजे हैं, फ्रॉग, ठीक है। अब जो फ्रॉग होता है ना, ये पोइक्लोथर्म में आता है। किस तरह हम साबित किस तरह करेंगे पोइक्लोथर्म में? बेसिकली जब बाहर टेम्परेचर जोन से है ना, बहुत ज्यादा हीटअप होता है, लाइक अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है, लाइक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसकी बॉडी का भी टेम्परेचर हूबहू चेंज हो रहा है। लाइक बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर 40 के अगेंस्ट यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 के अगेंस्ट 0 आ, बिल्कुल इतना नहीं होता। मसलन 40 है तो जाहिर बात है बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इसके अगेंस्ट जो है वो कह लेंगे 36 39
नाइन तक होगा, 37, 38 कह लेंगे, 40 का अगेंस्ट जोन से चले हम कह लें 38 इसका डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और जीरो का अगेंस्ट कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा, सही। यानी थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, किधर 38 डिग्री सेंटीग्रेड और किधर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, आप देख सकते हैं फील कर सकते हैं कितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। सो फ्रॉग अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता, उसे हम किसे कहेंगे, क्या कहेंगे, पोइक्लोथर्म्स। सो इसकी एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाता है, इसमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एक तो एग्जाम्पल रेप्टाइल्स की हैं, रेप्टाइल्स जिस तरह फ्रॉग वगैरह है, फिशेज हैं कि जो अब आइस में रहेगी ना फिशेज, यानी जो बर्फ में रहती हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा, जो गर्म पानी में रहेंगी उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, सही। फिशेज भी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, और इस तरह और भी वर्टिब्रेट्स हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं, मसलन वर्टिब्रेट्स की और भी काफी एग्जाम्पल हैं जो कि इसके अंदर आती है, मसलन जो पोलर रीजन बर्फानी जिस तरह जानवर होते हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, इस तरह जो ज्यादा गर्मी वाले इलाके में रहते हैं वो भी मेंटेन नहीं करते, सही। सो ये हो गए पोइक्लोथर्म्स। पोइक्लोथर्म्स किस तरह डिफाइन करेंगे, यहाँ पे मैं नीचे डेफिनेशन ले देता हूँ, ऊपर ही ले देता हूँ बल्कि, दे डू नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, ठीक है, कि इन्वायरमेंट के लिहाज से वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, मतलब अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो इनका भी ज्यादा हो जाएगा, अगर बाहर कम है तो इनका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, सिंपल। अच्छा इसी को हम थोड़ा ग्राफ में भी स्टडी कर लेते हैं, नीचे मैंने ग्राफ रखा हुआ है, मैं भूल ही गया कि इसमें मतलब ये पोइक्लोथर्म्स है, ठीक है। सो अगर हम देखें यहाँ पे टेम्परेचर कम है, जो बाहर का टेम्परेचर है, सो इनका बॉडी का टेम्परेचर भी कम है, जो जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ पे अब टेम्परेचर हमने ज्यादा कर दिया, इनका बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया, देखा बड़ा सिंपल सा। सो इसके अगेंस्ट जो होम्योथर्म का अगर ग्राफ नजर आपको नजर आ रहा है बीच में, ये होम्योथर्म है, होम्योथर्म से अगर आप देखें, सो अगर टेम्परेचर कम है इसके अगेंस्ट, मतलब मैं चले जाए कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक लेट्स सपोज ये वाला, सो अगर टेम्परेचर कम है बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट उसी के इर्द गिर्द है, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है सो अगेन बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट उसी के इर्द गिर्द है, थोड़ा सा ऊपर होगा लाइक दिस, ठीक है। सो अब इनके दरमियान चेंजेस बहुत कम आई हैं, ठीक है, जबकि ये जो हमने पैरामीटर पढ़ा है लाइक ये, इसके अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा आ रही हैं, सही। सो जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट के समय, एनवायरनमेंट में लो है तो उसका भी लो है, तो उसे हम पोइक्लोथर्म्स कह देंगे, और जो जो अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे उन्हें हम होम्योथर्म्स कहेंगे, यानी ये मैंने सारा गंद लगा दिया, सो एक्चुअल ग्राफ की शक्ल ऐसे थी, ठीक है, होम्योथर्म्स और पोइक्लोथर्म्स। सो ये आप कह लेंगे टेम्परेचर बेसिस के ऊपर हमने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर दिया, ओके ये तो सिंपल था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम क्या आया, साइंटिस्ट जो स्टडीज कर रहे थे टेम्परेचर चेंजेस को, बस हम फ्रॉग का केस उठाते हैं, सो बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था तो फ्रॉग का ऑलमोस्ट 38 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था उसके अगेंस्ट इसका 6 डिग्री सेंटीग्रेड, सो ये थोड़ा बहुत टेम्परेचर में फर्क आ रहा था, ठीक है, कि यानी ये थोड़ा बहुत हीट जनरेट या फिर ज्यादा टेम्परेचर तो हीट लॉस कर रहे थे, ठीक है। सो यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एबिलिटीज होती है कि वो हीट जनरेट या फिर हीट लॉस करें, ठीक, कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, तो इन चीजों को इस चीजों में फर्क डालने के लिए फिर हमें तीन डेफिनेशंस बनानी पड़ी, ठीक है। अब जो मॉडर्न कंसेप्ट है ना, आप कह लेंगे थर्मो रेगुलेशन के बेसिस के ऊपर, वो तीन किस्म के हैं, एक इसमें आता है इंडोथर्म, इंडोथर्म तो बहुत सिंपल है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कह लें कि अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन करने, यानी दे कैन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कि बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हीं के जरिए अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, सही। जो हमने मतलब यहाँ पे जो कह लेंगे सिंपल, जो हमने होम्योथर्म्स पढ़े थे ना, दे आर जस्ट लाइक इंडोथर्म्स, ठीक है, इसे हम होम्योथर्म्स कह देते हैं, सिंपल, ये तो एक जैसी डेफिनेशन है होम्योथर्म्स। फिर इन्होंने आगे जो कह लेंगे पोइक्लोथर्म्स है ना, उनकी दो ब्रांचेस बना दी, मतलब एक उन्होंने कहा जी एक्टोथर्म्स है, एक्टोथर्म्स,
ठीक है, एक्टोथर्म्स कह लें कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते, लेकिन इनके अंदर एबिलिटी होती है, ठीक है, देखें इनके अंदर एबिलिटी मौजूद होगी, लेकिन ये एबिलिटी बहुत लो लेवल की होगी, ठीक है, दे कैन मेंटेन या कह लें कि लो लेवल मेटाबॉलिक हीट चेंजेस, ठीक है, इसके इसके अंदर सो इनकी लो लेवल ऑफ मेटाबॉलिक हीट जनरेशन होगी या हीट चेंजेस कह लें, ठीक है। इसके अगेंस्ट ये मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, कि अपने इर्द गिर्द से ये कह लें कि हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, ये नहीं, ये सेकंड टर्मिनोलॉजी में आ गए। और फिर जो इम्फीबियंस वगैरह थे, फिशेज इम्फीबियंस जिसे फ्रॉग्स वगैरह होते हैं, रेप्टाइल जिसे कह लें, रेप्टाइल की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, मोस्ट वर्टिब्रेट्स कह लें, मोस्ट वर्टिब्रेट्स इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे जो लो लेवल मेटाबॉलिक हीट जनरेट करते हैं, ठीक है, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करेगा, लाइक यहाँ पे जो हमने ग्राफ में पढ़ा था पोइकिलोथर्म्स, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनकी बॉडी टेम्परेचर में यहाँ पे फर्क आएगा, ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक, कि थोड़ा बहुत रेगुलेट करेंगे अपने टेम्परेचर को। फिर एक थर्ड टाइप है जिसे इन्होंने हेट्रोथर्म कहा है, ठीक है, यानी थर्ड टाइप आ जाएगी हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स बड़े डिफरेंट किस्म, इन दोनों से डिफरेंट किस्म के हैं, सॉरी हेट्रो डिफरेंट लिखने लगे, हेट्रोथर्म्स इनसे डिफरेंट है। हेट्रोथर्म्स किस तरह डिफरेंट होते हैं कि इनके अंदर एबिलिटी होती है, ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस हीट या एबिलिटी टू रेगुलेट टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, सॉरी अगेन, टेम्परेचर को रेगुलेट, यानी दे हैव एबिलिटी टू रेगुलेट टेम्परेचर बट डू नॉट रेगुलेट, ठीक है, बट डू नॉट, नॉर्मली अपना टेम्परेचर नहीं करते, यानी उनका बॉडी का इंटरफेस ऐसा बन चुका होता है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर ना, यानी हेट्रोथर्म की एग्जांपल के अंदर बैट्स आ जाती हैं, चमगादड़ जिसे कहा जाता है, इसके अलावा हमिंग बर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, हमिंग बर्ड बहुत छोटा सा होता है, हमिंग बर्ड, सही, ये इसकी एग्जांपल्स के अंदर आ जाती हैं, सही। सो यानी हमने टेम्परेचर बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर ली। सबसे पहले तो हमने इसकी दो क्लासेस बनाई, पोइकिलोथर्म्स था एंड सेकेंड वाज होमियोथर्म्स, ठीक है। पोइकिलोथर्म्स कौन सा था, जिनके बॉडी टेम्परेचर जो उनसे है वो चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, सही, यानी जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा वही उनके बॉडी का टेम्परेचर रहता है, इसमें रेप्टाइल फिशेज वर्टिब्रेट्स और पोलर वगैरह रीजन पे जो एनिमल्स होते हैं, सही। फिर दूसरा होम्योथर्म्स, तो होम्योथर्म्स में यहाँ पे लिखना भूल गया, सेकंड क्लास क्या थी, होम्योथर्म, होम्योथर्म क्या था कि जो रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। फिर हमने ग्राफ भी डिस्कस किया था कि लाइक ये पोइकिलोथर्म्स, अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, पोइकिलोथर्म्स के अंदर आ गए। होम्योथर्म्स की ये ग्राफिकल रेंज आ रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो एक नैरो रेंज के अंदर रहेगा, ठीक है, ये इसकी रेंज बन रही है, सही। फिर रिसेंट डेफिनेशन के मुताबिक हमने इसकी तीन क्लासिफिकेशन की, जिसके अंदर इंडोथर्म्स जो कि होम्योथर्म भी थे, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय मेटाबॉलिज्म, यानी इंटरनल मैकेनिज्म के जरिए ये अपना बॉडी टेम्परेचर को एक लिमिट के अंदर रखते हैं या नॉर्मल लिमिट के अंदर रखते हैं, जबकि जो पोइकिलोथर्म्स थे उनको हमने दो कैटेगरीज के अंदर मजीद डिवाइड कर दिया, जिसमें एक एक्टोथर्म्स है जो लो लेवल मेटाबॉलिक हीट जनरेट करते हैं और ज्यादातर हीट जो उनसे सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे, लाइक फिशेज है, एम्फीबियंस, वर्टिब्रेट्स, जो मोस्टली वर्टिब्रेट्स इसमें आएंगे, ठीक है। अच्छा, एंडोथर्म्स की एग्जाम्पल के अंदर मैमल्स हैं, मैमल्स जिसमें ह्यूमन बींग्स हैं और बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखनी है, मैमल्स एंड बर्ड्स, जबकि एक्टोथर्म में जो है फिशेज एम्फीबियंस वर्टिब्रेट्स, और लास्ट में हेट्रोथर्म्स कौन से हैं, जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं लेकिन वो जनरली रेगुलेट नहीं करते, इसकी एग्जाम्पल में बैट्स, हमिंग बर्ड्स वगैरह, सही। सो ये आज के लेक्चर हम यहीं तक करेंगे, अगले अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं टेम्परेचर रेगुलेट किस तरह करते हैं, उनके अडाप्टेशन क्या थी। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने ज्यादातर प्लांट्स को फोकस किया शुरू में,
प्लांट्स किस तरह अपने बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं, यानी हॉटर एक्सट्रीम कूलर और हार्डर कंडीशन के अंदर किस तरह बैलेंस करते हैं। सो दोनों केसेस पढ़े, लाइक अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है सो एवेपोरेशन होगी या ट्रांसपरेशन जिसे कहा गया था, जिसकी वजह से कूलिंग होगी। अगर टेम्परेचर इसके अलावा हीट शॉक प्रोटीन सेकेंड स्टेप जो था, ये ट्रांसपरेशन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए लाइक 45 तक चला जाए सो हीट शॉक प्रोटीन होती हैं जो कि इसकी कह लें कि हीट एब्जॉर्ब करती हैं और एंजाइम्स को डी नेचर होने से बचाती हैं। और नुकसान कहता है कि एट हाई टेम्परेचर एंजाइम्स डी नेचर हो जाते हैं, पर अगर टेम्परेचर लो हो जाए प्रोटीन्स अफेक्ट होंगे अगेन, खासतौर पर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और उसका क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है लाइक वाटर का आइस बन जाएगी। ठीक है, आइस आईसीई, ठीक है, कि बर्फ के क्रिस्टल्स बन जाते हैं सेल्स के अंदर। फिर हमने अडाप्टेशन की बात की, तो प्लांट्स मोस्टली हार्ड होते हैं सो दे रेजिस्ट द टेम्परेचर चेंजेस, मोस्टली टेम्परेचर को रेजिस्ट करते हैं। लेकिन अगर फिर भी जिस तरह कोई कहने के छोटे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फिर कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं लाइक दे हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, उनका लेवल ज्यादा कर देते हैं। अनसैचुरेटेड से मतलब इनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, फैटी एसिड्स की कैटेगरी जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ये दोनों अनसैचुरेशन की निशानी है। सो ये भी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। दूसरा, सॉल्यूट कंपोजिशन चेंज कर जाती है साइटोप्लाज्म जिसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलेट होता है, सही, और फिर ये सर्वाइव करते हैं वेरी लो टेम्परेचर में। फिर हमने ये अर्थ के लिहाज से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अर्थ में ये ऊपर पोलर रीजन है जहाँ पे एक्सट्रीम लो है, फिर जो बीच में इक्वेटर है यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। सो मोस्टली प्लांट्स इस एरिया में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ही सनलाइट आके पड़ती है। ठीक है, फिर हमने एनिमल्स पे आए, हमने कहा पॉसिबल हीट ट्रांसफर कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, तो इसमें फोर वेज थे। एक तो डायरेक्ट सनलाइट है कि लाइक ये सन है सो सन से डायरेक्ट लाइट आ रही है ये एब्जॉर्ब होगी, फिर कुछ रिफ्लेक्टेड लाइट होगी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पड़ने के बाद आपके पास आएगी, फिर इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन होगी जो बॉडी सॉरी अर्थ में से आपकी बॉडी में ट्रांसफर होगी, और लास्ट फोर्थ वन जो आपकी बॉडी खुद हीट जनरेट करेगी। सर तो ये हीट सोर्सेज होंगे जिसके अगेंस्ट फिर हम आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे किस तरह ह्यूमन बॉडी या फिर एक एनिमल की बॉडी रेगुलेट करती है टेम्परेचर को। सो आज के चैप्टर में हमने यहाँ तक ही पढ़ना था।